गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी लेक्चर। सबने हिंदी की वर्कबुक निकाली, हिंदी वर्कबुक नोटबुक निकाली। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? श स श श स प, ये आपको होमवर्क मिला था। आपने किया होमवर्क? वेरी गुड। हमने कौन सा पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था? वर्णमाला। इस वर्णमाला में पहले हमने सभी स्वर पढ़े। कौन से? अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ अं और अहा। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़े। कौन से? क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इधर तक हमने पढ़ा? वेरी गुड। आपने ये कंप्लीट किया नोटबुक में? ह तक वेरी गुड। तो अभी हम अगला व्यंजन पढ़ेंगे। ह के बाद क्या आता है? पेज नंबर 3 निकाला वर्कबुक में। वेरी गुड। ह के बाद क्या आता है, कौन बताएगा? ह के बाद आता है श। ये क्या है? श। ये क्या है? श। श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। ये क्या है? श। ये है श। क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कौन? कौन बताएगा क्षत्रिय यानी कौन? क्षत्रिय यानी पहले के जमाने में लोगों को चार वर्णों में डिवाइड किया था। चार वर्णों में लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे चार जाति थे, लोगों को चार जातियों में डिवाइड किया था, भेद किया था, चार जाति में लोगों को रखा था। ब्राह्मण यानी कौन? पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे, वो थे ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो समाज के लोग युद्ध करने जाते थे। क्या करने जाते थे? युद्ध करने जाते थे, लड़ने जाते थे, उनको बोलते थे क्षत्रिय। वैश्य। वैश्य यानी कौन? जो बिजनेस करते थे। क्या करते थे? बिजनेस, बर्तन बेचने का काम, कपड़ा बेचने का काम, या कुछ भी सामान जो बेचते थे, जो बिजनेस करते थे, उनको बोलते थे वैश्य। और लास्ट वाला शूद्र। शूद्र यानी जो लोग खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे, उनको शूद्र वर्ण में रखा था। तो चार वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, जो ज्ञान बांटते थे, क्षत्रिय जो लोग युद्ध करने जाते थे, वैश्य यानी जो लोग बिजनेस करते थे, और शूद्र यानी जो लोग खेती करते थे। ऐसे चार वर्णों में लोगों को डिवाइड किया था, उसमें से एक वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो लोग युद्ध करने जाते थे। श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। ओके, तो अभी हम श लिखना सीखेंगे। रेडी? श लिखने के लिए सबसे पहले आपको ह कंप्लीट किया है,
नेक्स्ट पेज लेना है, उधर हम श लिखेंगे। श लिखने के लिए आपको एस फॉर सन आता है, एस एस फॉर सन आता है ऐसे निकालना। तो श लिखने के लिए आपको पहले एक उल्टा एस निकालना है। हम ऐसे एस निकालते हैं एस फॉर सन, तो श लिखने के लिए आपको एक उल्टा एस निकालना है, ऊपर वाली लाइन को टच करके उल्टा एस निकाला। नेक्स्ट उल्टा एस और उसको ऊपर से ऐसे घुमाकर उसकी डंडी बाहर लानी है। क्या किया मैंने, उल्टा एस निकाला और एस को यहां से ऐसे घुमाकर ऐसे बाहर लाया। क्या समझा? नेक्स्ट उल्टा एस, एस को ऊपर से ऐसे घुमाकर बाहर लाया और उसको नीचे से भी ऐसे घुमाया, हुआ नीचे से भी घुमाया। नेक्स्ट उल्टा एस, ऊपर से घुमाया बाहर निकाला, नीचे से भी ऐसे घुमाकर ऐसे निकाला और उसको बाजू में स्टैंडिंग लाइन दी, तो क्या बन गया? श, श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय लिखा आपने। श फिर से लिखेंगे, ये देखो पहले क्या करना है, उल्टा एस निकालना है, निकाला देन उल्टा एस और उसको ऊपर से ऐसे घुमाकर बाहर लाना है, ऐसे घुमाकर बाहर लाना है, देन उल्टा एस ऊपर से ऐसे घुमाया और बाहर निकाला और नीचे से भी ऐसे के ऐसे ही घुमाना है। ओके, उल्टा एस ऊपर से इसको घुमाया, नीचे से घुमाया और उसको बाजू में स्टैंडिंग लाइन दी, तो क्या बन जाएगा? श, क्या बन जाएगा? श, श से क्षत्रिय, पहले एस निकालना है उल्टा, देन उसको ऊपर से ऐसे घुमाकर डंडी उसकी बाहर लानी है, फिर नीचे से भी वैसे के वैसे घुमाना है और उस डंडी को बाजू में स्टैंडिंग लाइन देनी है, तो क्या बन जाएगा? श। टू लाइन्स लिखे आपने श, आपको पूरा पेज श, श से क्षत्रिय लिखना है, टू लाइन्स लिए, बाकी का पूरा पेज आपको श लिखना है। ओके, अभी हम अगला व्यंजन पढ़ेंगे। श के बाद क्या था, ये क्या हुआ? श, श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय, अभी श के बाद क्या आता है? श के बाद आता है, कौन बताएगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, श के बाद क्या आता है? श के बाद आता है त्र, ये क्या है? त्र, ये है त्र, सब लोग मेरे पीछे बोलो त्र, त्र से पत्र, त्र से पत्र, त्र से कोई भी शब्द तैयार नहीं होता। शत्र शब्द के आखिर में या शब्द के बीच में त्र को लगाया जाता है, त्र से शब्द नहीं बनता, त्र को शब्द के पीछे या बीच में लगाते हैं, ये क्या है? त्र, त्र से क्या आता है? पत्र, त्र से पत्र, त्र से पत्र, ये क्या है? त्र, त्र से पत्र, पत्र यानी क्या पता होगा आपको? पत्र, पत्र यानी खत, लेटर, क्या? लेटर या खत, खत पता है आपको, पत्र पता है, लेटर क्यों भेजते हैं? एक दूसरे से बातें करने के लिए। पहले के जमाने में फोन नहीं थे, अभी हमारे पास फोन है, तब भी फोन नहीं थे, तो लोग एक दूसरे से बातें करने के लिए, जो इस गांव में नहीं रहते, हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, तो उनको मिलने नहीं जा सकते रोज रोज, तो उनको हम खत लिखते थे, तो खत को क्या बोलते हैं?
लेटर लिखा जाता था और वो भेजा जाता था, ओके। तो उस खत को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र भी बोलते हैं। क्या? पत्र यानी लेटर। क्या? लेटर। त्र से पत्र, त्र से पत्र। अभी हम त्र लिखना सीखेंगे। श से क्षत्रिय लिखा, अभी हम त्र लिखना सीखेंगे। रेडी हो? ओके। त्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा क ऐसे निकालना है, छोटा क, हाँ, बड़ा वाला नहीं, निकालना। देन क, और उस क को नीचे से स्लैंटिंग लाइन देनी है। क्या देनी है? स्लैंटिंग लाइन। देन क स्लैंटिंग लाइन, और उस स्लैंटिंग लाइन को, इन दोनों को पीछे से एक स्टैंडिंग लाइन देनी है। तो क्या बन जाएगा? त्र। एकदम इजी है। पहले क्या करना है? थोड़ा सा कर्व में एक ऐसी लाइन देनी है, फिर उस लाइन को कर्व लाइन, और उसको एक स्लैंटिंग लाइन देनी है। देन कर्व स्लैंटिंग लाइन, और उसको पीछे से स्टैंडिंग लाइन लगानी। तो क्या बन जाएगा? त्र। त्र से पत्र, त्र से पत्र। ओके। ये क्या है? त्र। ये है त्र। टू लाइन्स की, बाकी की लाइन्स आपको क्या करनी है? होमवर्क करनी है, और मुझे व्हाट्सएप पे कंप्लीट करके भेजना है। आपको ये सब कंप्लीट करना है क्योंकि हमारी एग्जाम आ रही है। ओके। तो आपको ये पूरा नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके। त्र हुआ आपका कंप्लीट। अभी पूरा आपको पेज त्र लिखना है। अभी हम अगला व्यंजन पढ़ेंगे, हमारा लास्ट व्यंजन, वर्णमाला का लास्ट व्यंजन जो है ज। ये क्या है? ज्ञ। ये है ज्ञ। ये क्या है? ज्ञ। ज से ज्ञानेश्वर। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ये क्या है? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ये है ज्ञ। ज्ञ से क्या आता है? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर यानी कौन? ज्ञानेश्वर यानी, ज्ञानेश्वर नाम का एक संत था। वो लोगों को अच्छे ज्ञान बांटा था, अच्छे थॉट्स लोगों को बांटता था, लोगों में चांगले चांगले विचार बोलते हैं ना, अच्छे थॉट्स लोगों को देता था। वो कौन था? ज्ञानेश्वर। वो एक संत था। ओके। वो लोगों को अच्छा ज्ञान देता था, और लोग उसके पास आते थे ज्ञान लेने के लिए। तो ज्ञानेश्वर कौन है? एक संत है। कौन है? संत। ओके। ज्ञ से ज्ञानेश्वर। अभी हम ज्ञ लिखना सीखेंगे। ज्ञ लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक क निकालना है, उल्टा सी। उल्टा सी निकालना है। निकाला उल्टा सी। देन वो उल्टा सी दोनों लाइन के बीच निकालना है, उल्टा सी, और उस उल्टे सी को एक स्लीपिंग लाइन देनी है। क्या देनी है? स्लीपिंग लाइन। ऊपर से उस उल्टे सी को स्लीपिंग लाइन देनी है। दी नेक्स्ट, उल्टा सी स्लीपिंग लाइन, और उसको नीचे से ऐसे घुमाना है, ऐसे सर्कल में घुमाना है। हुआ? नेक्स्ट, सी स्लीपिंग लाइन, नीचे से ऐसे घुमाया, और उसको बाजू में स्टैंडिंग लाइन दी। तो क्या बन जाएगा? ज्ञ। क्या बन जाएगा? ज्ञ। ज से ज्ञानेश्वर। क्या बन जाएगा? ज्ञ। फिर से देखो, उल्टा सी निकाला,
उल्टा सी स्लीपिंग लाइन नीचे से घुमाया और स्लीपिंग लाइन को एक स्टैंडिंग लाइन दी, तो क्या बन जाएगा? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानेश्वर, ज्ञ से ज्ञानेश्वर किया, ज्ञ से क्या आता है? ज्ञानेश्वर। टू लाइन लिखी, बाकी की लाइन सबको होमवर्क। सी, सी को ऊपर से स्लीपिंग लाइन, नीचे से इसे घुमाना है और उस स्लीपिंग लाइन को एक स्टैंडिंग लाइन देनी है, अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो क्या बन जाएगा? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानेश्वर। ओके, टू लाइन्स की, बाकी की लाइन्स होमवर्क। तो आज हमारे सभी व्यंजन और स्वर पढ़ के हो गए। कौन से व्यंजन हमें आज तक पढ़े, स्वर कौन से पढ़े? अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अहा। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ना स्टार्ट किया। क्या व्यंजन? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। इधर तक हमारे व्यंजन सभी हो गए। आपको ये नोटबुक में पूरा कंप्लीट करना है, ये व्यंजन पूरे आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, इस बार व्यंजन। ओके, तो अभी हम हमारा जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो आपको बताती हूँ। ओके, हिंदी का पेपर पैटर्न और रिवीजन मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटोज निकाल के भेजूंगी। ओके, रिवीजन आपको फोटोज निकाल के मैं भेजने वाली हूँ और पेपर पैटर्न में अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान यानी फिलर्स, आपको एग्जांपल दे रही हूं। अ डैश डैश ई, तो आपको ये आंसर्स लिखने हैं। अ दिया है आंसर डैश, अ के बाद क्या आता है? आ। आ के बाद क्या आता है? ई, अ आ ई ई। ओके, ऐसे रिक्त स्थान आपको आने वाले हैं, वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, प्रश्न क्रमांक दोन, दिए गए शब्दों में से संबंधित वर्ण को अधोरेखित कीजिए। दिए गए शब्दों में से संबंधित वर्ण को अधोरेखित कीजिए। दिए गए शब्दों में से संबंधित वर्ण को अधोरेखित कीजिए, मतलब आपको एक अक्षर दिया होगा, एग्जाम्पल होगा क, और क से कलम, कमल, ऐसे शब्द दिए होंगे, तो आपको क्या करना है? क, क इधर शब्द में कहा क है, क ल म, यहाँ क किधर है, उसको अधोरेखित, मतलब उसको अंडरलाइन करनी है। कमल, कमल में क किधर है? यस, उसको अंडरलाइन करनी है, समझा? ये था एग्जाम्पल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, जोड़िया मिलाओ, वो आप सबको आता होगा। जोड़िया मिलाओ मतलब मैच द फॉलोइंग, आपको अक्षर दिए होंगे और उस अक्षर का शब्द ढूंढकर आपको मैचअप करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को देखकर अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। दिए गए चित्रों को देखकर अधूरे शब्द को पूरा कीजिए। दिए गए चित्रों को देखकर अधूरे शब्द को पूरा करना है, मतलब आपको एक चित्र दिया होगा। एग्जांपल ये है आम, ऐसे आपको दिया होगा क्वेश्चन, ये है आम, पर इधर आम पूरा लिखा है, सिर्फ म लिखा है, तो कंप्लीट कैसे करना है, ये क्या है आम, तो ये हुआ आ म, म दिया होगा आपको, शब्द कंप्लीट करना है, आ से आम आता है, ये आम है, तो शब्द क्या होगा आम, पर म दिया है, आ दिया नहीं है, तो आपको वैसे शब्द को कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब आपको फिलअप दिए होंगे स्वर और व्यंजन की, तो आपको वो कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर टू, दिए गए शब्दों में से संबंधित वर्णों को अधोरेखित कीजिए, मतलब आपको वर्ण शब्द वर्ण दिया होगा, कोई भी स्वर या व्यंजन दिया होगा और उसके रिलेटेड शब्द दिए होंगे, तो आपको उस शब्द में उस व्यंजन और स्वर को ढूंढ के उसको अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, जोड़िया मिला मतलब मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फोर, दिए गए चित्रों को देखकर अधूरे शब्द को पूरा कीजिए, चित्र दिया होगा आपको और उस चित्र को आगे एक शब्द दिया होगा, पर वो शब्द कंप्लीट नहीं दिया होगा, तो आपको वो शब्द कंप्लीट करके लिखना है। ओके, तो ये हमारा पेपर पैटर्न है और आपको रिवीजन मैं व्हाट्सएप पे भेजने वाली हूँ। ओके।